अगर कोई काम करवाना है तो बताओ सर। डॉक्टर विभूति नाग जी ने हमारी चरण टीवी की स्टूडियो में पिछले 10 दिनों में 10,000 कॉल्स रिसीव किए हैं। फिर चाहे बिग बैंग थ्योरी हो या भगवत गीता की बात हो, राजयोग से लेकर आदि योग तक, हर दिन कॉलर अपनी बातें इनसे पूछते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी डॉक्टर विभूति नाग से इस नंबर पर प्रश्न कर सकते हैं। नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट शो। भरोसा करो, ये सच है। दस दिन में 150 घंटे और हर रोज 900 कॉल्स लिए। अगर टोटल करें तो 9,000 कॉल्स और हर कॉल का एक नया टॉपिक। और ये सब कैसे हुआ आप जानना चाहते हैं ना? मनुष्य के मेमोरी पावर का कोई अंत नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। और आज हमें चैलेंज करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर विभूति नाग। आपका वेलकम है सर। और आज इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से कुछ लोग आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं, कॉल करें 0402406-2686। इस नंबर पे कॉल करके 1 से लेकर 9,000 के बीच जो भी नंबर आपको पसंद है वो हमसे पूछिए। प्रोफेसर विभूति नाग जी उस नंबर में क्या मैसेज छिपा हुआ है वो आपको बताएंगे। हेलो सर, वेलकम टू द शो। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है मैडम। थैंक यू सर। बताइए कौन सा नंबर आपने सिलेक्ट किया है? 956। कॉल नंबर 956। शंकर शास्त्री जी हैं, तिरुपति से। पोतना भागवत के पहले भाग में बताया गया है, श्री कैवल्य पदम भुजम चेरिटिने चिंतन चिदंग रक्षे कारकम भक्तम पालम कड़ा संभ्रम वक्रम दानवोद्रय स्तंभ को केरली लोवल सद्रुभजा संभूताना कंजा भवांड कंडप महानंदाना डंबकम। कॉल नंबर 3176। शेक्सपियर्स कोट, वी नो वॉट वी आर बट नो नॉट वॉट मी मे बी। हेलो। गुड मॉर्निंग अरविंद। क्या स्वीटी, इतनी सुबह सुबह कॉल कर देती हो? तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा तो पाप लग जाएगा क्या? ये सब छोड़ो और टीवी ऑन करो, एक वंडरफुल प्रोग्राम चल रहा है। कॉल ऑन डिस्टेंस ऑफ लाइट 9.460284 × 10^12 किलोमीटर। वाओ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है अपने कानों पर सर। 1955 में ये बनाया गया। सत्यजीत रे ने पथेर पांचाली ये फिल्म बनाई थी। बंदनी नाम की हीरोइन ने इसमें काम किया था। विभूति भूषण बंदोपाध्याय नॉवल के नाम से ये प्रेरित था। इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई थी। आज का आखिरी सवाल है प्रोफेसर साहब, और इसे पूछेंगे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से आए हुए ये दो लोग। प्लीज पूछिए सर। 5983। कॉल नंबर 5983। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू लिव। वाओ, इम्प्रेसिव। इतना सब कुछ कैसे याद रखते हैं सर? हमें बताइए, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? ये सच है या नहीं ये मुझे पता नहीं, और इसे मानने के लिए आई एम नॉट रेडी नाउ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पूछने पर प्रोफेसर साहब हंसते हुए स्टूडियो से निकल गए। अब सच में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ये जानने के लिए प्रमुख शास्त्र वक्ता, ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी पे रिसर्च करने वाले हमारे प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ जी से हम बात करेंगे। हमारे वेदों और ग्रंथों के बारे में सब लोगों को अच्छी तरह से जानकारी नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों को इसके बारे में अच्छी से जानकारी थी। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बराबर एक्टिवेट करेंगे तो अपनी जिंदगी में घटने वाली हर घटना को आप जान लेंगे। लेकिन विभूति नाग जी को कैसे ये ज्ञान मिला, मैं भी ये जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी। नमस्कार। ठीक है दोस्तों, अब अगले हफ्ते एक नया एपिसोड लेकर हम आएंगे। मैं गायत्री भार्गव फ्रॉम चरण टीवी, नमस्कार। अच्छा, तुम्हें प्रोग्राम कैसा लगा? क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसे प्रोग्राम की तारीफ क्यों नहीं होगी? वेल डन, कीप डूइंग इट। हाँ सर, परमिशन दे रहे हैं। हे, तुम्हारे छोटे भाई का बर्थडे है, उससे मिलने चलें क्या? क्या बात है, उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हो। तुम्हारे फैमिली के हर एक मेंबर को पटा के रखूंगी तो उनसे कुछ तो काम निकलेगा ना? उनसे इम्पॉसिबल। वो क्यों? क्योंकि ना मेरी फैमिली मुझसे नफरत करती है। यार, बर्थडे का सेलिब्रेशन 4 दिन पहले से शुरू कर दूं क्या? तुझे ओलंपियाड में सिल्वर मेडल मिला है? अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हाँ, ए पार्टी करते हैं ना यार। कंग्रेट्स यार। ये क्या यार, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, इस बार अगर अवार्ड मिला तो पार्टी तो करनी चाहिए ना। पार्टी नहीं करेंगे तो सक्सेस भी हमसे दूर चली जाएगी। हाँ, कैसे करेंगे यार, इस ओलंपियाड में भैया को गोल्ड मेडल मिला था। ऐसा क्या? यप, अगर तुझे ओलंपियाड में मेडल भी मिलेगा ना तो तेरा गांव ढिंडोरा पीटेगा। पर मेरे साथ क्या होगा? बट समडे मैं उनसे बेटर हूँ, ये मैं डेफिनेटली प्रूव करके बताऊंगा। उसके बाद हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। दैट्स द स्पिरिट मैन। अरे भाई, नेहा को मैं डेट के लिए पूछूं क्या? मौका देख के चौका मार दे, जल्दी से पूछ ले। मान तो जाएगी ना? ए, तेरे से नहीं मानेगी तो क्या मेरे से मानेगी? वैसे अगर तू बुरा ना माने तो मैं तेरे लिए उससे बात करता हूँ। अरे तू रुक जा, मैं ही हैंडल कर लूंगा। पक्का ना? या फॉर श्योर। आई कंप्लीटली बिलीव्ड इन यू मेघना। तुमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था, बट यू मेस्ड इट अप। मतलब सब गलती मेरी है क्या? यस ऑफ कोर्स। सर, यू कांट मेक मी अ स्केपगोट। जब मैंने आइडिया डेवलप किया था तो सबने कहा था कि बहुत अच्छा है, और अब जब आइडिया वर्कआउट नहीं हुआ तो उसका दोष आप मुझ पर दे रहे हैं। अब सबकी पसंद का आइडिया वर्कआउट नहीं हुआ तो गलती सबकी है ना? व्हाट आर यू सेइंग? यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट का सक्सेस होना या फेलियर होना सब तुम्हारे सर है। आई एम सॉरी, यू कैन लीव नाउ। कुछ ऑर्डर किया क्या? यही है तुम्हारा प्रोजेक्ट, अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दो। डोंट इंसल्ट मी अरविंद, 3 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। आई नो योर गुड, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो, ये उतना आसान नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? ठीक है, प्लीज डू। थैंक यू। बेबी,
क्या हुआ? एक और सैंडविच का ऑर्डर दूं? मुझे तो एक ट्रीट चाहिए। ओह अरविंद, अभी तुमने क्या कहा था? आई एम जस्ट गुड। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिर्फ गुड नहीं है बल्कि द बेस्ट है। मैं मान गई महाप्रभु, यू आर द बेस्ट। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए जल्दी सॉल्व कर दिया। अगर थोड़ा इजी होता तो मुश्किल हो जाती। वन मिनट। हेलो मेघना, कोड सॉल्व कर लिया है सर। मुझे पता था मेघना तुम कर लोगी, यू जस्ट नीडेड अ पुश। अब देखना हमारी कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगी। इससे हमारी कंपनी कहीं नहीं पहुंचेगी, सिर्फ मैं और हमारे सारे क्लाइंट्स, सॉरी मेरे क्लाइंट्स। यू बैकस्टैबिंग। मैं कौन हूँ आप अच्छी तरह से जानते हैं मिनिस्टर साहब। मेरे लिए पैसा और पद बकवास है, कोई महत्व नहीं रखता। मैंने आज आपकी मदद की, सिर्फ स्नेह है, कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे मालूम है आपको ये सब पसंद नहीं है। आपकी वजह से मैं डिप्रेशन से बाहर आया हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे गलत ना समझें। लेकिन आप सीएम से मिलवाने के लिए क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? सीएम साहब ने आपका प्रोग्राम देखा था, वो आपका शिष्य बनना चाहते हैं इसलिए मुझसे बात की। वो बहुत टेंशन में रहते हैं, अगर एक बार आप उनसे मिल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं सोचूंगा, भले ही एक ही बार मिल लें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डीएसपी, कैसे हो आप? वेरी गुड सर। गुरुजी, ये डीएसपी मनोज है, इसी ने मेरी जान बचाई थी जब मुझ पर नक्सलियों ने हमला किया था, मैंने आपको बताया था ना। हाँ मनोज, ये है प्रोफेसर विभूति नाग, डॉक्टरेट इन योगा एंड साइकोलॉजी। आपके बारे में बहुत सुना है सर। मेरे बारे में? मैं कौन हूँ? मैं तो बच्चों को पढ़ाने वाला एक मामूली प्रोफेसर हूँ। मैंने आपके बारे में और आपके साहस के बारे में बहुत सुना है। आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी, मनोज बहुत ही समझदार है, न्याय का साथ देता है और सबसे बड़ी बात है डर इसको छू भी नहीं सकता। द मोस्ट फियरलेस गाय आई हैव एवर सीन, ये कुछ भी हासिल कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है गुरुजी, अब मुझे निकलना पड़ेगा। मैंने आपको जो बोला था कृपया उसके बारे में सोचिएगा। जी ठीक है जी सर। हाँ, नाइस मीटिंग यू डीएसपी साहब। इट्स माय प्लेजर सर। थोड़ा मेरे साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे? श्योर सर। लेकिन अगर मेरे साथ चलना है तो तुम्हें अपनी स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके जैसा जवान तो नहीं हूँ ना, थोड़ा बूढ़ा हो चला हूँ। श्योर सर। मतलब तुमने मान लिया। मैंने आपको कहीं देखा है। यस सर, वो मैं महेश सुसाइड केस के बारे में आपसे मिला था। तो तुम महेश के कलीग हो? आई रिमेम्बर द केस, सुसाइड बोलकर केस क्लोज कर दिया था, लेकिन मुझे अभी भी उस पर संदेह है। हम दोबारा मिलकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके श्योर सर, आई विल गिव यू अ कॉल। अरविंद, कौन था ये? ये किसी सुसाइड केस की बात कर रहा था। वो डीएसपी है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हारी शॉपिंग हो गई ना? हाँ। लेट्स गो बॉयज। हे हे धीरज उठ। हेलो भैया, यहाँ बैठिए ना। नो ओवर एक्टिंग। हैप्पी बर्थडे माय डियर ब्रदर। थैंक्स भैया, थैंक यू सो मच। शी इज माय फ्रेंड मेघना। हाय हाय, हैप्पी बर्थडे राज। थैंक यू। ओलंपिया में सिल्वर मेडल जीता था ना, कांग्रेचुलेशंस। भाई ने गोल्ड मेडल जीता था, बताया नहीं क्या? ये क्या भैया, पिछली बार तो आप केक्स और लॉलीपॉप्स लेकर आए थे, इस बार कुछ लेकर नहीं आए क्या? ए, कब तक केक्स और लॉलीपॉप्स में ही रहेगा? मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो ये सब चीजें पापा से लेता था, पर तुम्हारे लिए कुछ और लाया हूँ। व्हाट, यू मेकिंग मी क्यूरियस भैया, क्या है वो? सरप्राइज, जस्ट गो एंड वॉच। वाओ, यस, वाओ। Thank you, भैया. Thanks a lot. How's the bike? It's really good. This is from Meghna. Thank you, Meghna. Actually, मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी जैसे अंदर की। It's okay. वैसे भैया ने मुझे आपसे मिलवाया, भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, घर में हमारा बहुत झगड़ा होता है, आप दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है, मैं विटनेस बनने के लिए तैयार हूँ। तुम हमारी बात छोड़ो, लेकिन तुम्हारी बाइक की बैक सीट लगता है किसी का इंतजार कर रही है, पहले उससे तो मिल लो। द
दिस इज माई रेगुलर हैंगिंग स्पॉट. बहुत अच्छा है. थैंक यू. आई एंजॉय द डेट अ लॉट. मी टू. इट वॉज अ गुड डेट. ये क्या कर रहे हो राज? कम ऑन, लेट्स हैव सम फन. कम ऑन. अरे इडियट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मैंने अपनी सर्विस में इतनी दर्दनाक मौत नहीं देखी. इन सब के क्लोज फोटोग्राफ्स लिए ना तुमने? सर यह असल में हत्या नहीं है, आत्महत्या है. व्हाट? आर यू श्योर? 100%. 3 दिन से इन्होंने दरवाजा बंद रखा था, इन्होंने अपने आप को शूट किया है. ओ गॉड, आई कांट इवन इमेजिन द पेन. मुझे लगता है इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी सर. मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ डॉक्टर, ही इज मेंटली वेरी टफ. लेकिन हिटलर ने भी सुसाइड किया था, पता नहीं है क्या? हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है. उसकी तो मैं वाट लगा दूंगा. मुझे मुझे लाफा मारती है. अरे जाने देना, तुझे कितनी बार बोला उसकी वजह से मैं बहुत सारा लॉस हो चुका है. देख हमारे पास कितने कम पैसे बचे हैं. शो. क्या भाई लोग, सुबह से ही शुरू हो गए क्या? सुबह से नहीं, रात से. रात में शुरू किया था, अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ. पढ़ाई में जितना मजा आता है उतना मजा किसी और काम में नहीं आता. अब तू ज्यादा शाना मत बन, चल पेपर डाल जल्दी. अब बोला भाई. ए, जरा ये देख तो, ये तो हमारे फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बना था. डीएसपी मनोज राइट? या उस दिन इसने क्या बोला था हमें, जान हथेली पे रख के किसी के पीछे लग जाए तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं. या यार ऐसा आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है? देखता हूं आखिर न्यूज में लिखा क्या है. डीएसपी मनोज आत्महत्या, इस केस की पूछताछ अभी भी चल रही है. क्यों बे, तू इस आत्महत्या के केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्या हुआ यार? अबे क्या कर रहा है तू? ये एक पजल है, अगर इसे सॉल्व किया तो इसमें एक मैसेज मिलेगा. ए, तू कोई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जो तुझे मैसेज देंगे ये? अबे यार फालतू में क्यों दिमाग लगा रहा है तू, बता ना. तू हंस क्यों रहा है? अरे ये तो इधर देख, ये नंबर्स इस मैट्रिक्स के कॉलम में कुछ ना कुछ जरूर बता रहे हैं. अब लग रहा है कि जल्दी पागल होने वाला है. व्हाट? कुछ नहीं, नेक्स्ट क्या ये बताना मुझे. यस, यहाँ एक स्पाइरल व्यू है, उससे हम देखते हैं. ILL Illuminate. Illuminate? But what? यहाँ देख. MIND Mind. बे तू तो सुपर यार. तारीफ करना बंद कर और तू भी पेपर लाके इसे सॉल्व कर जल्दी से, समझा? अच्छा छे, इसके साथ रहा तो मैं पूरा पागल ही हो जाऊंगा. कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. हे अरविंद, कब आए? मैं अभी अभी आया प्रिया. मेरी माँ कब तक नॉर्मल हो जाएगी? आई नो यू आर फीलिंग बैड, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो. इसका कोई चांस नहीं है. इनको इस शॉक से बाहर निकलना मेरे बस की बात नहीं है. अब कोई मिरेकल ही इन्हें बचा सकता है. आई अंडरस्टैंड प्रिया, बट डोंट वरी, वी हैव अ गुड न्यूज. सडनली पल्स आना बंद हो गया है, अब जल्द ही इन्हें घर ले जा सकते हैं. दैट्स रियली ग्रेट न्यूज डॉक्टर, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. ठीक है, अब मुझे इनका चेकअप करना है, आप लोग बाहर बैठिए प्लीज. श्योर. कम.
रहने दो भैया, आपके पहले बहुत पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी हालत में तो महेश ही पैसा देता था। माँ को बहुत जल्दी घर ले जाएंगे, मैं आज बहुत खुश हूँ, चलता हूँ। ओके, बाय बाय। हेलो। हे मेघना, कहाँ हो? और कहाँ रहूंगी, रूम में। मैंने रिजाइन किया है ना, तो मैं पूरी फ्री हूँ। डिनर पर चलोगी? क्यों नहीं, आई विल गेट रेडी, आई विल सी यू सून, बाय। क्लाइंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, स्टार्टअप करने के लिए क्लाइंट्स कंटिन्यू भी करेंगे। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ अरविंद, यू सेव्ड माय करियर एंड एडेड कलर्स टू माय लाइफ। ये बात तो मुझे भी बोलनी चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से भागना चाहता था। व्हाट? या मैं जॉब से रिजाइन करके सिटी से दूर जाना चाहता था। थैंक्स टू यू, आज एक नई शुरुआत हुई है। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या चल रहा है अरविंद? अरविंद, उसे याद करना मुझे पसंद नहीं है मेघना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैंने उसकी मदद नहीं की और उसे खो दिया। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तुम महेश के बारे में बात कर रहे हो ना, ये बताओ उसे हुआ क्या था? मैंने कहा था कुछ बातों को याद करने से, उनके बारे में सोचने से हमें दुख होता है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में अभी बात करना चाहता हूं। गलती तो सब ही करते हैं अरविंद, तुम्हें नागराज के बारे में पता है क्या? नागराज? हाँ। ये नागराज कोई श्राप है क्या? श्रापित होने से पहले वो एक महाराज था, बहुत वीर था। उसका पराक्रम देखकर इंद्र ने उसे उस समय इंद्रपथ दिया था। जो जगह इंसान कभी नहीं पा सकता वो जगह उसने हासिल की थी। तो वो क्यों श्राप बना था? मैंने कहा था ना अरविंद, गलती करना इंसान की आदत है। इंद्र की पत्नी से उसके संबंध थे, उसने सप्त महर्षि बनकर उसे छला था। ब्रह्मऋषि अगस्त्य महामुनि ने उसे पैर से ठोकर मारी थी और उनके श्राप से वो श्रापित हुआ। स्वर्ग की भूमि छोड़कर वो अपनी कीर्ति को, तेजस को, सब कुछ खोकर जमीन पर आ गिरा। पिटी। असली कहानी तो वहां से शुरू होती है। नागराज का बड़प्पन क्या है पता है? हर एक हार जीत को उत्पन्न करती है। इंद्र के पद के कारण उसे श्राप मिला और श्रापित होने के कारण वो नागराज बना। ये तो दोनों के लिए अच्छा ही हुआ ना। जो लहर पीछे जाती है वो अपनी शक्ति छोड़ कर जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो अपना भरोसा हासिल करती है। हमें भी ऐसे ही जीना है, जितनी मुश्किल आए हमें उसका सामना करना है। भगवान से हमेशा उनसे लड़ने की शक्ति मांगनी है, सब कुछ ठीक होगा। You are an angel, Meghna. मेरे बचपन में पिताजी मुझे नागराज की कहानी बताया करते थे, जो मुझे बहुत पसंद थी। नर हूँ, पुरुष हूँ, चढ़ के रहूंगा मैं, उठना मुझे ही नहीं, बस एकमात्र तेरा हाथ, मेरा देवता भी और ऊंचा उठे मेरे साथ। हर बार तुम एक नया एंगल बनाकर मुझे सरप्राइज देती रहती हो। तू ही जज्बा तो मैं, दिल चाहे हर पल तेरा साथ क्यों?
बाय बाय। हे हेलो भैया। व्हाट अ सरप्राइज ब्रदर, आने से पहले फोन नहीं किया। एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलता चलूं। ये लीजिए। अच्छा अब बता बात क्या है। एक्चुअली एक पजल सॉल्व करना है भैया, नंबर्स एंड कोड्स। अच्छा जरा एक बार इसे देखिए ना। ये डियो डेसिमल नंबर रिप्लेसिंग एटॉमिक वेट केमिकल कंपाउंड्स। शिट, वाह, ये तो कितना इजी था भैया। इसी को सॉल्व करते करते मेरा पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन मुझे तो ये आइडिया नहीं आया। ऐसी पजल्स को सॉल्व करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी नहीं करते, हिट एंड रन बस। पर तुम तो जानते हो ना, मैं ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत फास्ट सॉल्व करता हूँ। सीरियसली थैंक्स, थैंक्स भैया। चीयर्स। ऐसे बैठकर बात किए हुए काफी दिन हो गए हैं। हाँ सच में। तू जब भी मिलता है कोई ना कोई बात पर झगड़ा जरूर करता है। अच्छा हर बार मैं शुरू नहीं करता। एनीवेज चीयर्स टू द न्यू बिगनिंग्स। न्यू बिगनिंग्स। मिनिस्टर साहब हैं क्या? पर्सनली कुछ बात करनी है। ओके सर, अभी अंदर विभूति नाग जी आए हैं, वो जैसे ही फ्री होते हैं मैं बताता हूँ। विभूति नाग, ये कौन है? कोई मिनिस्टर है क्या? मिनिस्टर जी के गुरुजी हैं, पिछले एक महीने से ये उनसे मिलना चाहते थे। ओहो, कोई बाबा है क्या? ठीक है। जनता का पैसा लूटना, बाबाओं के पैर छूना, फिर भी लोग इन्हें ही पूछते हैं। छी, ये भी कोई जिंदगी है क्या? हेलो, वन मिनट सर। सर सीएम सर का फोन। एक मिनट गुरुजी। सर बताइए सर, बहुत अच्छे समय पर कॉल किया आपने। क्या हुआ, आपने गुरुजी से बात कर ली? हाँ मैंने बात कर ली है, शायद ये मान जाएंगे। अभी तक ना तो नहीं कहा सर, बहुत अच्छे हैं। रखता हूँ सर। गुरुजी, सीएम साहब ने फिर से कॉल किया था। आपके पास जब भी समय हो वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बताता हूँ जी। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। सर तुम्हें पता ना, डीएसपी ने एक बार मेरी जान बचाई थी। जानता हूँ सर, वो हम सबके रोल मॉडल थे। बट उन्होंने आत्महत्या कर लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केस कहाँ तक पहुँचा है, कोई क्लू मिला क्या? केस आगे नहीं बढ़ रहा सर, कुछ ना कुछ रहस्य है। आप तो जानते हैं सर, वो अकेले रहते थे, शादी भी नहीं की थी उन्होंने। उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। कुछ दिन पहले हम पार्क में मिले थे, मुझे तो वो एकदम ठीक लग रहे थे। ये लुक परफेक्टली नॉर्मल टू बी। कुछ भी हो, इस केस के बारे में मुझे अपडेट करते रहना। श्योर सर। हाँ हर्ष सर, मैंने उसे विभूति नाग से मिलवाया था। अभी जो गुरुजी गए ना, वही गुरुजी किसी की भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उनसे मिलो, तुम्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। श्योर सर, मैं मिल लूंगा। गुड लक। ए, क्या कर रहा है तू? अपना सारा काम धाम छोड़कर तू ये पजल सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर रहा है? अबे ये टाइम वेस्ट नहीं है, इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन एक बात तो सच है, जैसा प्रोफेसर ने कहा वैसा करें तो अपना ब्रेन सुपर बन जाएगा।
अरे यार वो सब ठीक है लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। देख मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन यार उस दिन वो बुड्ढा तेरे में पता नहीं क्यों स्पेशल इंटरेस्ट दिखा रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत जलसी फील हो रही थी। जलसी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं अपने भाई को देखता हूँ तो हर वक्त यही महसूस करता हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच में छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई होती रहती है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि वो पजल सॉल्व किया कि नहीं? अच्छा वो पहले तो बहुत टफ थी लेकिन फाइनली डिड इट। वो पजल क्या थी जानते हो? म्यूजिकल नोट्स। लेकिन एक बात तो है, इस पजल का और म्यूजिकल नोट्स का संबंध इस प्रोफेसर से आखिर क्या, मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा तूने कितना सॉल्व किया? मैंने भी सॉल्व किया, इट वॉज वेरी इंटीग्रल। सॉल्व करके ग्राफ बनाया तो एक मनुष्य का स्केच तैयार हो गया। ए, 10 मिस्ड कॉल्स आई यार। छोड़ जाने दे भाई। Sorry to disturb you, sir. हमारे होम मिनिस्टर प्रताप जी ने आपसे मिलने के लिए कहा है। वो किस बारे में? DSP के सुसाइड के बारे में। उन्होंने कहा कि जरूर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें पता चला कि वो मरने से पहले आपसे मिलने यहाँ आए थे। हाँ आए थे, हम पार्क में भी गए थे। आइए बैठकर बात करते हैं। बताइए आपको DSP के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी क्या? जब मिला था तो अच्छा ही लग रहा था लेकिन उसके अंदर में मिसकंसेप्शन भरा हुआ था। लगता है उसके कारण ही उसने आत्महत्या कर लिया होगा। What? उसने कहा था उसे डर नहीं लगता है। Yes, मेरी जानकारी में मैंने वैसा डेयरिंग ऑफिसर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यही तो समस्या है, साहस ऊपर दिखता है और डर अंदर भरा रहता है और वही उसका काल बन जाता है। मेरे बोलने से डर लग रहा है? तुम्हारे पास दिमाग है, हिम्मत है, तुम्हारे जैसे जाबाज आदमी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। ये सब लक्षण तुम में हैं, ऐसा तुम्हें लगता है क्या? अगर मैं अपने मुंह अपनी तारीफ करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा प्रोफेसर। मैं तो हमेशा न्याय का साथ देता हूं और आगे भी न्याय का ही साथ दूंगा, लेकिन हिम्मत की बात हो तो किसी से नहीं डरता। मतलब तुम्हें डर नहीं लगता? हुँ? लेकिन मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। इसका मतलब आप मुझे ठीक से समझ नहीं पाए हैं। अच्छी तरह समझ लिया मनोज, जो सब बोलते हैं तू ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी नज़र में तू अंदर से बहुत डरा हुआ है। आप चैलेंज कर रहे हैं प्रोफेसर, मेरी हिम्मत और ताकत दिखाने का वक्त बहुत जल्दी आएगा। बताइए प्रोफेसर, आप चैलेंज करते हो? अच्छा तुम चैलेंज लेने के लिए बहुत तड़प रहे हो। अच्छा तो फिर एक काम करो, आज रात को मेरे घर आ सकते हो? श्योर सर, एट योर सर्विस। तो फिर ठीक है, रात में मिलेंगे। ओके। इंसान के अंदर डर रहता है और ये सही समय पर बाहर निकलता है। Come in, Manoj. आओ मेरे सामने बैठो। As you say, professor.
कहिए प्रोफेसर, आप कोई डर की बात कर रहे थे? अरे मुझे तो तुम्हारी आंखों में बहुत डर दिखाई दे रहा है। कम ऑन प्रोफेसर, एक ही बात बार बार कहेंगे क्या? ये बकवास पेंटिंग, ये पागलों की तरह ड्रेस, इन सारी चीजों से आप मुझे डराना चाहते हैं? अच्छा, आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए। ऐसा क्या? तो ठीक है, अब तुझमें डर नहीं है, ऐसी क्या बात कर दी तुमने? 10 नक्सलाइट्स के साथ मैं अकेला लड़ा था, ड्रग माफियाओं को पकड़ने के लिए रात भर शमशान घाट में ठहरा था, उस वक्त तो मुझे डर नहीं लगा। ये सब शो ऑफ है मनोज, और कुछ नया बताओ बताओ। मुझे डर है कि नहीं वो सब तो छोड़, लेकिन तुझमें कितना डर है ये मैं बताता हूँ। डरपोक ही हथियार का इस्तेमाल करते हैं मनोज, उसे बगल में रखते हैं। और इसको देख, डर इस अंधेरे के बीच में दिख रहा है ना? सच है, लेकिन वहां अंधेरा बिल्कुल नहीं है। डर, तू तो बोल रहा था कि तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। झूठा, तू बहुत बड़ा डरपोक है, डर के मारे कांप रहा है। डर लग रहा है ना तुझे? प्रोफेसर जी, मुझे तुरंत घर जाना है, मुझे तुरंत जाना है घर पे। चला जा, किसने रोका है? डर लग रहा है क्या ऑफिसर? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, जो तुम जानना चाहते हो वो सब मैं बताऊंगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मेरे द्वारा बताया गया हर एक शब्द एकाग्र होकर सुनो, एकदम ध्यान से, बस। मैं जो बोल रहा हूं मानोगे ना? जरूर मानूंगा प्रोफेसर। दैट्स गुड। तुम सामने देखो, अपनी सांस अंदर लो, पूरी सांस भर लो, फिर इसे धीरे धीरे छोड़ो। सांस को धीरे धीरे छोड़ो और धीरे धीरे छोड़ो और धीरे धीरे छोड़ो और धीरे धीरे छोड़ो। मैं भी हॉस्टल पहुंच गई हूं। और तुम कहां? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूं। नेहा, I'm sorry. Sorry कहा ना मैंने तुम्हें? छोड़ो मुझे। नेहा, leave me. नेहा। मेरी आंखों में देखो। I'm sorry. It's okay. चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मुझे देखकर क्या छुपा रहा है? कुछ भी नहीं भैया, कुछ नहीं। राज कहाँ है? कुछ काम से अभी भी बाहर गया है। ए, मैंने उसे कितनी बार कॉल किया पर उसने फोन नहीं उठाया। क्या बात है, तुम लोग कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब क्या है, आखिर बात क्या है, बताएगा या नहीं? भैया एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले हम एक प्रोफेसर से मिले थे। सो तुम लोगों ने मेरा पजल सॉल्व कर लिया? यस सर। तो फिर अंदर आ जाओ।
अच्छा बताओ, तुम लोगों में से किसने ये पजल सॉल्व किया? तुमने या तुमने? हम दोनों ने साथ में किया सर। एक साथ किया? ये तो दो लोगों की चीज नहीं है। अगर मैं तुम दोनों में से किसी एक आदमी को हाँ बोलूंगा तो तुम क्या करोगे? तो हम दोनों चले जाएंगे सर। ऐसा है क्या? चलो। अरे रुको रुको, बैठो। इस बार तो तुम लोगों ने मिलके ये सॉल्व किया, लेकिन आगे से तुम लोग ये मिलकर सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ ठीक है सर, हम दोनों अलग अलग करेंगे। यस। तो फिर ठीक है। अच्छा बताओ, तुम लोग यहाँ आए किसी को बताया तो नहीं? वो हम बोलकर आए कि हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं सर, और किसी को कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी विद्या सिखाऊंगा। सो टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माइंड? असल में आपका माइंड ही आपका सच्चा गुरु है। आप जो भी सीखेंगे वो अपने माइंड की वजह से ही सीखेंगे। आप अपने माइंड से किसी भी चीज को डिकोड कर सकते हैं, चाहे कोई भी प्रपंच हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, डिकोड कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है प्रोफेसर? जो आप सीखना चाहते हैं मैं एक सेकंड में सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे आप दोनों ये पजल सॉल्व करके दिखाओ। समझ गए ना? दैट्स ऑल। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं, मैं आपकी तारीफ कैसे करूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है? वो कपड़ा लाकर मेरे आंखों पर बांध दो। तुम दोनों में एक आदमी यहां रहो और एक आदमी ऊपर जाओ, वहां पर पड़ी हुई चीजों को अपने हिसाब से बदल दो। उसके बाद मैं उन सब चीजों को व्यवस्थित कर दूंगा। ओके ओके गो। हाँ, जाता हूं। दिमाग लगाया था तुमने। वाओ! अभी जो तुमने देखा बहुत छोटा सा प्रदर्शन था। तुम दोनों को दिखाने के लिए और सिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। सिंबल्स, नंबर्स एंड वर्ड्स, दैट्स द गेम। आप दोनों ये तीनों पजल सॉल्व करके लाओ, उसके बाद वशीकरण विद्या सिखाऊंगा। सर अगर आप अपनी विद्या हमें सिखाएंगे तो हम दोनों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारी तरह सीखने के लिए बहुत व्याकुल था। तुम भी मुझे समझदार लड़के लगते हो। ये सर, इसको सॉल्व करने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देख लीजिएगा। अच्छी बात, तुम लोग जल्दी सॉल्व कर लो, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम लोग कितनी जल्दी सॉल्व करोगे ये भी तो मैं देखना चाहता हूँ। यस सर, यस। ओके। हाँ, तुम लोगों ने अपना नाम नहीं बताया। राज, धीराज, आई मीन धीरज। अच्छी बात है, कम। ओके सर। भैया उसने तीन पजल दिए थे, दो पजल हमने सॉल्व कर दिए। सो राज की लास्ट पजल मैंने सॉल्व की थी, अब ये बता वो कहाँ है? वो पजल सॉल्व करने के बाद तुम लोग उससे वापस मिले थे? हाँ भैया। ओ मेरे प्रिय शिष्य, आओ 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 बैठो। तुम लोगों का चेहरा देखकर ये पता चलता है कि तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यस सर, वी डिड इट।
वेरी गुड। मैं जानता हूं आपके दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम कामयाब हो जाओगे। आई बात समझ में? मेरा एक छोटा सा गांव था, मेरे पिताजी कारपेंटर थे। मैं बचपन से ही बहुत कुछ सीखना चाहता था। मेरे मन में ये था कि मैं कारपेंटर नहीं बनना चाहता, लेकिन नसीब तो नसीब है, उसे कोई बदल थोड़ी सकता है। लेकिन ये सब आपने कैसे हासिल किया प्रोफेसर? मतलब इस फील्ड में आप कैसे आए ये जानना था। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ जादूगर आए थे, उन्हें देखकर मैं आकर्षित हो गया। मैं उनके पीछे चला गया। जेब में सिर्फ मेरे पिताजी का दिया हुआ 10 रुपये था। मन में कुछ नया सीखने का सपना पाला था। मैं 13 साल का था। मैं उस उम्र में उन लोगों के साथ चला गया। थोड़े ही दिनों बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि ये सब लोग कुछ नहीं जानते। हम जो देखते हैं ये छोटा मोटा ट्रिक है। उनके पास कोई मंत्र तंत्र की शक्ति नहीं है, उन्हें कुछ पता भी नहीं है। उन जादूगरों में एक बुजुर्ग जादूगर भी था। मैंने उनसे पूछा कि मैं ये सारी शक्तियाँ सच में कैसे हासिल कर सकता हूँ। उन्होंने बोला, योग में ही सारी शक्तियाँ समाहित हैं, हरिद्वार चले जाओ। मुझे लगा वो लोग मजाक कर रहे हैं। मैं उसकी खोज में भटकता रहा, हरिद्वार पहुंच गया। योग किया, ऋषियों से मिला, स्वामियों से मिला, साधुओं से मिला, इन सब के साथ बहुत घूमा। आखिर में खाने के लिए मैं तरस गया। जो आप सोच भी नहीं सकते वो मैंने खाया। भैरव के पास जीवों की बलि दी, अघोरियों के साथ मिलकर मुर्दों को भी खाया मैंने। क्या बात है प्रोफेसर, आपकी लाइफ में इतना एडवेंचर था। मैं जीत चुका हूं तो आज तुम सब लोगों को साहसी नजर आ रहा हूं। यदि मैं हार गया होता तो तुम भी मुझे पागल कहते और बेकार आदमी कहकर भगा देते, है कि नहीं? मैंने ये सब देखा है और भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। कहाँ से? मेरे पास एक पुस्तक है, उससे सीख रहा हूँ। अगर तुम लोग ये पजल सॉल्व करने में मेरी मदद करोगे, मैंने जो कुछ भी सीखा है तुम्हें सिखा दूंगा। That's the deal. Yes, professor. It's a deal. ये रख लो। अभी तक तुमने जो भी पजल सॉल्व किए उससे कुछ ज्यादा ही कठिन है, फिर भी देखते हैं तुम लोग ये कैसे सॉल्व करते हो। प्रोफेसर, आप हिप्नोटिज्म सिखाने वाले थे, भूल गए क्या? जो तुमने काम किया उसका फल मांगना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हें वो सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तुमने जो ये पजल सॉल्व किए हैं उसी में वशीकरण की विद्या छिपी हुई है। जैसे इंसान एक साधारण सी गुड़िया बना सकता है, ठीक उसी तरह से पहाड़ भी बना सकता है। ये फूल को देख रहे हो, इसमें से जो रसायन निकलेगा वो माइंड को सबकॉन्शियस करता है, और कोई खास बात नहीं है। कहीं भी जाकर तुम ये फूल से रसायन निकाल कर बना सकते हो। इट्स इजी, किसी प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है, घर पे भी बना सकते हो। ओके? एक म्यूजिक नोट्स, मंगोलियन तांत्रिक के हिसाब से सेमनिज्म की प्रक्रिया से भी ये सब कर सकते हैं। दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, मनुष्य मरने के बाद भी किसी से भी मिल सकता है। यदि इन तीनों का प्रयोग किया जाए तो वशीकरण की विद्या में महामंत्र की शक्ति की तरह काम करेगा। उसके बाद जिसके ऊपर तुम इसका इस्तेमाल करोगे, जो तुम कहोगे वो वही करेगा। चलो मैं तुम्हें वो म्यूजिक टॉम्स सिखाता हूँ। ठीक है, वो पजल्स क्या है मुझे दिखाओ। अभी के लिए इतना बहुत है, लेट इट गो। मैं तुम्हें इस स्वार्थी दुनिया से मुक्ति दिला दूंगा इंस्पेक्टर। आई कैन फ्री यू। तुम मुझे अपना गुरु मान लो। मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही सुनो और वही मानो। मैं जो कहूँगा सिर्फ वही मानना। हर हफ्ते यहाँ आते रहना। तुम्हारा नाम? हर्ष प्रोफेसर। अब तुम अपनी जिंदगी के खत्म होने तक सिर्फ मेरे गुलाम रहोगे।
हे धीरज, दिस इज ऑसम यार, मैं जो भी बोलता हूँ वो सब करती है। सच में? हाँ सच में, मैं जो कहता हूँ वो सब करती है। अब तू देखना यार, हम कॉलेज में डायरेक्टर प्रोफेसर सबके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। देखना, हम हर किसी से अपनी बातें मनवाएंगे। हाँ यार, वी विल रूल। हमें जो प्रोफेसर बताएंगे हम सब करेंगे। ए भाई, माचिस है क्या? ए हीरो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जवाब दे देगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? क्या रे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ए, हम लोग तेरे से मजाक कर रहे हैं क्या? अरे इसकी तो मेरे को मारा हमारे से। तुम क्या अपने आप को सुपरमैन समझते हो? He was just asking for a match stick, right? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? मेरी ही गलती की वजह से ऐसा हुआ है। मेरी हरकतों की वजह से वो क्या? वो जो खत्म हो गया, बार बार उसे याद कर रहे हो। खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ मतलब महेश वापस आ गया क्या? नहीं, राज। राज का और महेश का क्या संबंध है? जो महेश के साथ हुआ वो वापस रिपीट हो रहा है। राज, मेरा राज। मेघना, हम यहां से दूर चले जाएंगे। राज को यहां से लेकर दूर चले जाएंगे। Whatever it is, we are not running away, Arvind. तुम जैसे समझदार लोग भी भाग जाएंगे तो कैसे चलेगा? सच में क्या हुआ है मुझे बताओ, फिर देखते हैं। हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम को फेस करेंगे। यहां कबर्ड में एक डायरी रखी है, मेरे पास लेकर आओ। Yes. महेश कॉलेज दिनों में मेरा बेस्ट फ्रेंड था। सोलार लैम्प प्रोटोटाइप बनाने के लिए हम पहली बार मिले थे। उसके बाद हम साथ साथ रहे। सोलार एनर्जी पर हमारी रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए उस वक्त हमने डिसाइड कर लिया, और इस रिन्यूएबल पावर के संबंध में हम नई टेक्नोलॉजी की खोज करेंगे, हमने ऐसा फैसला किया था। इसलिए सोलार पावर तैयार करने वाली एक बड़ी कंपनी R&T हमने ज्वाइन कर ली। एक्सीलेंट गाइस, अरविंद और महेश, इतने कम समय में तुमने इतना अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट मंथ हम तुम दोनों को शिकागो भेजना चाहते हैं। वी रेडी फॉर दैट वन। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। जैसा हमने सोचा वैसा ही चल रहा था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन धीरे धीरे हालात में बदलाव होना शुरू हो गए। ऑफिस नहीं आया, तू कहाँ चला गया था? US जाने से पहले हमें बहुत सारा काम करना था। बहुत काम है यार। ये सारा काम तू संभाल लेना, मैं US से नहीं आने वाला। मैंने ऑफिस से एक महीने की छुट्टी ली है। तू नहीं आएगा? कैसी बातें कर रहा है यार, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सच बता, क्या कह रहा है तू? मैं बताऊंगा, टाइम आने पर सब बताऊंगा यार। या तो वो मैच बॉक्स स्टिक से कुछ खेलता रहता था, या फिर घंटों सीलिंग की तरफ देखता रहता था। मैंने सोचा था मेरे वापस आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन
ए, तेरा हाथ इतना ठंडा क्यों लग रहा है? अरे ऐसे ही, तेरा टूर कैसा रहा? अपना आइडिया सबको पसंद आया ना? यस, इट वॉज अ बिग हिट। ये सब छोड़, तुझे क्या हो गया? तू बहुत अजीब हो गया है, जरा बताएगा बात क्या है? आई एम प्लेइंग अ गेम, अ हाई रिस्क गेम ऑन लाइफ। देख यार, मुझे तो तू जानता है, तुझे सब बताने में मुझको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं तुझे इन सब चीज़ों में नहीं फंसाना चाहता था। बट आई मेस्ड इट अप, मुझे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज शाम को तू मेरे साथ रहना यार, आई नीड यू। ये कैसी पागलपन वाली बातें करता है? बात क्या है बता मुझे। बताता हूँ यार, लेकिन इवनिंग में तू मेरे साथ रहना प्लीज, मैं तुझे सब बता दूंगा, तू रहेगा ना? श्योर, रहूंगा। मैं पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। थैंक्स अरविंद। उससे मिलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा था। अरविंद, 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 चल मेरे साथ। जो कुछ भी हुआ उसका कारण मैं नहीं हूं, ये मैं अपने आप को समझाता रहा। उस दिन अगर मैं आराम नहीं करता तो जो कुछ भी महेश के साथ हुआ वो नहीं होता। मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, आई डम्प्ड हिम। एक तरह से उसके सुसाइड का कारण मैं ही था। यस, मैं। गलती कर दिया तुमने महेश, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। तुम ये टेक्निक कब सीखे? अभी भी प्रोफेसर, अभी मैंने बस ये आखिरी चैप्टर सॉल्व किया है, आपको दिखाता हूं। दिस इज अ ग्रेट जॉब महेश। चलो हम बात करते हैं, आज मैं तुमको कुछ नई टेक्निक बताता हूं। ओके सर। ये बहुत मुश्किल है सर। डोंट वरी महेश, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है, बहुत आगे निकल गए हो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सर।
महेश, मैंने गलती कर ली। अरे मेरा लास्ट चैप्टर खत्म होने तक तुझे मेरा इंतजार करना चाहिए था। तूने गलती कर दिया, बहुत गलत किया। ओ गॉड हेल्प मी, हेल्प मी। नो, मुझे गॉड की क्या जरूरत है, मैं तो खुद गॉड हूं। मैं गॉड हूं, बस वही सब कुछ जानता है। बस अकेला, एकदम अकेला, मुझे बस उसका जानलेवा समाधान ढूंढना होगा। एक वो हट जाए तो बस। कहाँ है तू बता? यस, मिल गया। Uncoil the serpent of light in eternal darkness. Mind is the path to perpetual power. He who dares will illuminate. Contact Vibhuti Nag. ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। टीवी प्रोग्राम में था। Oh my God, he is superhuman. अब हम क्या करेंगे? अब करना क्या है? जाके मिलते हैं उससे। कहाँ? इसको बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कितना टाइम लगा तुम्हें? वन डे। नॉट बैड। एक्चुअली एक घंटा। एक घंटे में सॉल्व करने वाला सिर्फ एक ही आदमी था। कौन है वो? मैं उससे मिल सकता हूँ क्या? अगर उससे मिला होता तो मैं ये एड कभी ना देता, और तुम मेरे सामने नहीं आ पाते। कम ऑन, कम ऑन, लेट मी सी हाउ फास्ट यू आर। ये पजल जरा सॉल्व करके दिखाओ। आपको क्या लगता है मैं आपकी पजल सॉल्व करने यहां आया हूं? नॉट जस्ट टू सॉल्व दिस पजल, इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तुम जो कुछ भी उत्तर चाहते हो वो सब इसके अंदर छुपे हुए हैं। तुम जो भी चाहोगे, तुम जो भी मांगोगे, इसके द्वारा हासिल कर सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए? प्रोफेसर, मैं वीकली डोज के लिए आया हूं। तुम चलो, मैं आता हूं। जाओ। तुम ये पजल सॉल्व करो, मैं एक घंटे में आता हूं। तुम्हें कैसा लग रहा है हर्ष? बहुत अच्छा लग रहा है प्रोफेसर, मुझे आप जैसा गुरु मिल गया। मैं धन्य हो गया गुरुजी। मैं ये रास्ता पहले ही पार कर चुका हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक्स अ लॉट। तो एक बात ध्यान से सुनो, गुरु दक्षिणा में मैं, जो कुछ कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोलिए प्रोफेसर, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। जब समय आएगा तो खुद बताऊँगा, अभी चलो। अभी तुम्हें सारा ज्ञान मिल गया क्या, जो तुम इन पुस्तकों में अपना सर लड़ा रहे हो? काम खत्म करने के बाद और काम करने का नाटक करना मेरी आदत नहीं है। अद्भुत, अभी तक ये पजल सॉल्व करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। मेरा इन्वेंशन पूरा हुआ, मेरे शिष्य बन जाओ, हम दोनों मिलकर इस प्रपंच को। इंस्पेक्टर, यू मे गो नाउ। थैंक यू प्रोफेसर, मैं अगले हफ्ते मिलता हूँ। तुम्हें अभी सब कुछ समझ में आ गया होगा,
मेरे द्वारा किए गए इन्वेंशन में मेरा साथ दो, मेरे पजल को सॉल्व करो, मैं तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को बाहर ला दूंगा। क्या बोलते हो? बोलो बोलो, क्या चाहते हो? बोलो, तुम्हारे अंदर जो भी राज छुपे हुए हैं, चाहे सही हो गलत हो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। बोलो, क्या तुम्हें चाहिए? टेल मी। मेरे भाई को इससे आप दूर करा दीजिए। भाई को? कौन है वो? राज। राज वो तुम्हारा भाई है अगर मैं चाहूं तो भी उसे दूर नहीं कर सकता, ये तुम भी जानते हो, सच है। सब विद्या मुझे सिखाई, उसे रिहा कराने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन जो मैंने पहले कहा था वो याद है? क्विक ब्रोकियो, हम दोनों को एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। जैसे वहां मैं योगियों और अघोरियों से मिला था, उसके बाद वहां पर भारत में योग पर रिसर्च करने के लिए विदेश से कुछ लोग आए, उन सब से ज्ञान लेने के लिए मैंने उनका साथ पकड़ लिया, उनके साथ में रहने लगा। साधुओं और अघोरियों से मिलने जाते वक्त मैं उनका सामान उठाकर लेकर जाता था, तब मैंने उनके बीच में बातें सुनी, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मेरा शातिर दिमाग देखकर वो लोग मुझे जर्मनी पढ़ने के लिए लेकर गए, और जब मैं वापस आया तो भारत देश बहुत बदल चुका था। चालीस साल में उन लोगों ने यह किताब लिखी है, सारे रहस्य निःशब्द इसमें लिखे गए हैं, महा अद्भुत ग्रंथ है ये। लेकिन वो लोग एक के बाद एक गायब होते चले गए, उनमें से कोई भी नहीं बचा, सिर्फ एक आदमी बचा था। अलेक्जेंडर केन के पास से मुझे ये पुस्तक मिली। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? आर्ट, म्यूजिक, साइंस, इंटेलिजेंस। पावर नहीं है क्या? नहीं। इंटरेस्टिंग, अब शुरू करें क्या? क्या हुआ, पजल सॉल्व हो गया क्या? अरे नहीं यार, हमारी अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो गया, वो ही क्लियर करने कॉलेज गया था। ए, आर यू डम्ब? हम किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री कभी भी पा सकते हैं। अरे तुम्हें ये छोटी सी बात समझ भी नहीं आती, अटेंडेंस में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? हाँ मैं तुझे सीधे सीधे बोला, अगर तुझे सीरियसली करना है तो कर, नहीं तो तू जा, मैं अकेले ही कर लूंगा। अच्छा, मुझे अकेला छोड़ना चाहता है ये? मैं भी इसको सबक सिखाऊंगा, तेरे साथ जो करूंगा ना तू सोच भी नहीं सकता। सारे प्रपंच को भूल जाओ, अपने साथ जुड़े सारे प्रपंच को खत्म कर दो, तुम अपने आप को भूल जाओ, अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालो, अपने आप को देखोगे तो समझ में आएगा कितना बदलाव आया है। मैं जनरली किसी से नहीं मिलता हूँ, लेकिन फोन पर आपने जो बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए अपॉइंटमेंट दे दिया। सर, साइंटिफिकली इंसान इस तरह की पावर हासिल कर सकता है, मैं सीखने के बाद भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। हम जो जानते हैं उसे साइंस ही कहते हैं, जो नहीं जानते वो मैजिक कहते हैं। यू नो, साइंस स्पिरिचुअलिटी का ही एक भाग है। 100 साल पहले तक जानते हो, इंसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था, लेकिन कोई मानता नहीं था। आज एरोप्लेन से जाते हैं तो उसे साइंस कहते हैं। एरोप्लेन तो एक चीज है ना, लेकिन इंसान को सुपरनेचुरल पावर मिलना तो ये इंसान को ज्यादा पावर मिलने की तरह है। मैं तुम्हें बताऊं, हिमालय पे मैं एक व्यक्ति से मिला था जिसकी उम्र 400 साल थी। वो वहां रहकर भी कहीं दूर पर होने वाली एनर्जी चेंजेस को भी समझ सकता है। ये जो विभूति नाग खेल खेल रहा है, ये उनके लिए बहुत मामूली है। अगर मनुष्य
अपने दिल को कंट्रोल में कर ले तो अपने अंदर कितनी भी शक्ति हासिल कर सकता है। दिल ही मनुष्य को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और पतन की ओर भी ले जाता है। थैंक्स सर। हार्ट के बारे में मैं और रिसर्च करता हूँ। मैंने फोन में आपको एक किताब के बारे में बताया था, 3 यूरोपियंस, एक म्यूजिशियन, एक मैथमेटिशियन, एक बोटैनिस्ट, एक डांसर। अलेक्जेंडर केन ने आखिर में वो किताब इन सब लोगों को दी थी, ऐसा उस प्रोफेसर ने मुझे बताया था। उस बुक में कोई ना कोई राज छुपा है। मेरा फ्रेंड ऑलरेडी उसकी बलि चढ़ गया। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे भाई को कुछ ना हो। अलेक्जेंडर केन के बारे में मैं वर्कआउट करूंगा, जैसे मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा, लेकिन तब तक आप सावधान रहना। अगर माइंड वीक हो जाएगा तो डार्क साइड हावी हो जाएगा, अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई चलती रहेगी। क्या रे, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगर हम ये पजल सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उस प्रोफेसर से और कैसे सीखेंगे? तो फिर क्या करें यार? अरविंद, हाय भैया। क्या बात है, तुझे क्या हो गया? मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा, तो प्रोजेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है भैया। अच्छा देखिए, जरा एक बार इस पर नजर डालिए, कैसे लग रहा है भैया बताइए। क्या है ये तेरा प्रोजेक्ट तो नहीं लग रहा है? नो, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो बस एक पजल है। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आपको याद है ना? पजल्स है, पजल सॉल्व करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम वेरी बिजी भैया, बस प्लीज एक बार कर लीजिए ना, लास्ट टाइम, उसके बाद नहीं पूछूंगा, बस एक बार कर दीजिए ना, हो जाएगा भैया प्लीज। ये बहुत मुश्किल लग रहा है, बाद में करता हूँ। हो जाएगा, अरे कम से कम एक बार ट्राई तो कीजिए। मैंने कहा ना, आई एम वेरी बिजी। ए, तू क्या बात कर रहा है हा? तुझे पता ना मैं कितनी दूर से आया हूँ? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तू, अभी तेरे को बहुत नाटक चल रहा है। मुझे पता है तू मेरी हेल्प नहीं करना चाहता है, गॉड डैम यू। अच्छा अब मैं समझा, ताकि मैं तेरी पोजीशन तक पहुंच ना जाऊं इसलिए तू मेरी हेल्प करने से कतरा रहा है, तू डरपोक है। कट इट आउट। ए, बकवास बंद कर, चल। तेरी बातों पे भरोसा किया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थैंक यू बाय, थैंक यू एंड गुड बाय। ए लूजर, जब देखो तब वीडियो गेम खेलता रहता है, कोई काम काज तो है नहीं, फालतू में प्रोफेसर के पीछे अटेंडेंस के लिए लगा हुआ है तू, तुझे अपने पे भरोसा नहीं है क्या? अब क्या हुआ यार, अरविंद ने तो पजल को सॉल्व कर दिया होगा ना? उसने तो पजल पर नजर भी नहीं डाली, घमंडी कहीं का। तो अब क्या करेंगे हम? तू बता हमें क्या करना चाहिए। पजल सॉल्व करने के अलावा क्या कर सकते हैं? पर वो कैसे? अगर हमने पजल सॉल्व कर लिया तभी प्रोफेसर हमें कुछ सिखाएगा, और वो भी उनके पास रखी उस किताब से। वो किताब अच्छा, हम उनके पास रखी उस किताब को ही चुरा ले तो कैसा रहेगा? हाँ, हम ये कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम सब कुछ सीख जाएंगे। ए, अभी ये रिस्की है। ए, राज, वो किताब मुझे लेनी है, भले राज को खत्म करना पड़े, वो किताब मेरी ही होगी। कुंडलनी योग की शक्ति पाने वाले को महाशक्ति वशीकरण का ज्ञान होता है अरविंद, समझे? लेकिन ये विद्या बहुत कठिन है, गुरु पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? डू यू फील इट? तुम्हारे शरीर से अद्भुत शक्ति बाहर निकल रही है, तुम्हें ये महसूस हो रहा है? चलो हम कहीं घूम कर आए।
गुरुजी, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या चाहिए? राष्ट्र के विकास के लिए प्लानिंग कमीशन में प्लीज आप सलाहकार बन जाइए। सीएम जी, मैंने आपको बहुत बार समझाया, मुझे पैसों का किसी पद का कोई मोह नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो ये पद हम आपको देना चाहते हैं। अगर आप सलाहकार बन जाएंगे तो राष्ट्र के हित में होगा, मान जाइए प्लीज। आप जाकर मेडिटेशन रूम में बैठिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलिए। जी गुरुजी। सीएम यहाँ पर? हाँ, वो एक महीने से मेरे पास योग सीख रहे हैं। प्रोफेसर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे, ये समस्या है। ऑफ कोर्स, तुम खड़े रहो, मैं जवाब देता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन एक बात सोच लो अरविंद, मैं जो ये प्रपंच रच रहा हूँ उस महाशक्ति में तुम्हारा भी एक भाग होगा। सोच कर फैसला करना। श्योर। Keep concentrating. ए, किताब मिली क्या? नहीं मिली। अरे छोड़ ना यार, हम दोनों बचपन की दोस्त हैं यार, हमने इसके पहले कभी भी झगड़ा किया क्या? इस चक्कर में कितना आर्गुमेंट हो रहा है। अरे भाई, इतनी मारामारी किस लिए यार? हमें कोई शक्ति मिल जाएगी, इस लालच में हम किसी और शक्ति के कंट्रोल में आ गए हैं। ये सब छोड़ देंगे यार, प्लीज। वाह, क्या बात कर रहा है तू। मैं सब कुछ भूलकर अपने भाई के पीछे एक लूजर की जिंदगी जीऊं, तो यही चाहता है ना? मेरा भाई उस प्रोफेसर से सब कुछ सीख रहा है, वो उस प्रोफेसर को कैसे जानता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। लगता है उसने मुझे फॉलो करके उनके बारे में जान लिया है। वो उन प्रोफेसर से मिल लिया, उनसे उनकी विद्या सीख रहा है, वो अपनी आंखों से देखा है मैंने। और यहाँ मैं यहाँ तेरे साथ क्या कर रहा हूँ? तेरे साथ बैठ कर सर भिड़ा रहा हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो किताब हासिल करके ही रहूंगा। ऐसा है क्या यार? मैं तेरा साथ दूंगा, हम वो बुक हासिल करेंगे। यस प्रोफेसर, बोलिए। मैंने अलेक्जेंडर के बारे में पता लगाया, मैं वो सब मेल कर रहा हूँ। थैंक यू प्रोफेसर। सो डेविड बेलानीडो एक फ्रेंच म्यूजिशियन है, वेंडल क्रिश पोटेनिस्ट फ्रॉम जर्मनी, ये लोग मैथमेटिशियन भी हैं, इसलिए ये अलेक्जेंडर केन की टीम में है। ये सब मिलके हिमालय गए थे, और वहाँ से कहाँ गए ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ होगा ये मुझे थोड़ा पता चल रहा है। सच में क्या हुआ होगा अरविंद? नॉलेज को गेन करने के लिए सब शुरू हुआ, पावर की भूख के लिए सब स्वार्थी हो गए, एक दूसरे को धोखा देने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान भी ले ली। ये पूरे पागल हो गए। अलेक्जेंडर केन को मारकर विभूति नाग ने उससे वो किताब ले ली। ये सब वो किताब ही कर रही है। किताब कैसे कर सकती है? उस किताब में बताई हुई विद्या इंसान को स्वार्थ की भूख जगाने के लिए उन्हें उत्साहित करती है, सबकी चाहत पूरी करने के लिए, सबकी भलाई में इस्तेमाल करने के लिए। योगी को ये किताब मिलेगी और वो इस किताब के वश में आ जाएगा। अगर कोई जबरदस्ती इस किताब को लेने की कोशिश करेगा तो वो राक्षस बन जाएगा, और फिर वो इस दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा, और वही किताब उसे रास्ता भी दिखाएगी। Thank you.
थैंक यू प्रोफेसर, आपकी वो इन्फॉर्मेशन काम आ गई। बैठो। देखा ना हिमालय में वो लोग कैसे गायब हो गए। फॉर एग्जाम्पल हर्ष नाम के पुलिस ऑफिसर को तुमने देखा होगा, वो अपने बस में बिल्कुल नहीं, इसीलिए वो गलतियों पे गलतियां करता जा रहा है। फिजिकली मेंटली उसे ज्यादा स्ट्रेस मिला तब वो जाके ट्रांस से बाहर निकल पाएगा, लेकिन इमीडिएटली वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो गुरु से दवा लेने जाता है। पर ये इंसान को ठीक कैसे कर सकता है? अपना महेश कुछ ज्यादा ही इंटेंस डिप्रेशन में चला गया है, उसे क्योर नहीं कर सकते हम, लेकिन अर्ली स्टेज में उन्हें ज्यादा स्ट्रेस देकर नॉर्मल पोजीशन पे ला सकते हैं। ठीक है, इसका कैसे सामना कर सकते हैं प्रोफेसर? थियोरेटिकली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को करेक्टली एक्टिवेट करें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें कहा मैंने ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया, मेरे अंदर ये विल पावर है मैंने कभी सोचा नहीं। तुमने जॉन मास की बायोग्राफी ब्यूटीफुल माइंड पढ़ी है क्या? नो प्रोफेसर। उसने वो काम किया था, उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा किया, उसका उसकी पत्नी से प्यार उसे इस वशीकरण से दूर ले जाता है। गॉट इट प्रोफेसर, थैंक यू, गुड लक। हेलो मेघना, तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ अरविंद बोलो। तुम राज के पास जाओ, राज और धीरज को कुछ नहीं होना चाहिए, हो सके तो उन दोनों को अलग अलग करके दूर कर दो। क्या हुआ? वो दोनों बहुत मुश्किल में हैं। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ अगर ये फेल हो गया तो उन दोनों को मेरी वजह से नुकसान हो सकता है, अभी तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, उस प्रोफेसर की वजह से उन दोनों की जान जा सकती है। ठीक है मैं तुरंत जाती हूँ। Art of hallucination. क्या करते हैं सर, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। अभी डर गए थे क्या? मैं हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। मुझे बचाएंगे? मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। आपने तो मेरे भैया का साथ पकड़ लिया है, तो फिर यहाँ पर क्यों आए हैं? उस दिन मैं तुम्हारे भैया को सिखा रहा था और तुमने देखा, वो मैं जानता हूँ। क्या समझे? तुम क्यों आए थे वो भी मैं जानता हूँ। डोंट वरी, मुझे तो तुम्हारे जैसा ही इंसान चाहिए। तुम्हारा भाई तेज है लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा चालाक है। जब भी अवसर मिलेगा वो गद्दारी जरूर करेगा। आई बात समझ में? कैन यू बी हिम? यस सर, आई कैन। धीरज कहाँ है? मैंने उसको बीच में छोड़ दिया, इससे उसे काफी दुख हुआ। ये तो मुझे पता ही था। हाँ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ, इसे कॉपी करके मुझे लौटा देना। इससे तुम सब कुछ सीख सकते हो, तुम जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। लेकिन एक बात, देखो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या करना है बताइए, मैं करूंगा। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस किताब के बारे में कोई और जाने ये मैं नहीं चाहता, चाहे वो आदमी कोई भी हो। अशोक जैसा महाराज भी अपने भाइयों को मारने के बाद ही चक्रवर्ती बन पाया। तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बात करने के लिए कहा था ना, मैं तुम्हारे दोस्त को मरवाना चाहता हूँ, बस इतना ही। अब बताओ तुम अपनी ताकत साबित करने के लिए उसे मारोगे? तुम चक्रवर्ती बनना चाहोगे? अगर तुम चंद्रगुप्त हो तो मैं चाणक्य बनूंगा। आई बात समझ में? यस सर। ये यहां पर क्यों आए थे? कुछ नहीं, हमारा काम कहाँ तक पहुँचा बस यही पूछने के लिए आए थे। क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं है यहाँ पर। ए, दिखा मुझे, दिखा मुझे। क्या कर रहा है? छोड़ना, अरे हट पीछे, हट जा। अरे तो पागल हो गया क्या? मुझसे Yeah! Ah! Oh! Oh!
ए, हटो! क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? तुम्हें विभूति नाग कंट्रोल कर रहा है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कल मुझे प्रभुत्व गर्व एडवाइजर बना दिया गया, पता है ना? हाँ, आओ एक गेम खेलेंगे। एक गुरु की जिम्मेदारी क्या है प्रोफेसर? तुम क्या समझते हो? तुम्हारी दृष्टि में जो मैंने ये प्रपंच रचा है उसे वशीकरण से सब यूं ही खत्म कर दूंगा? नहीं, मेरा प्रपंच समुद्र में उठी लहरों के समान है। मैं जब चाहूंगा नदी की तरह शांत बना दूंगा। तुमने हर व्यक्ति से वादा किया कि इस प्रपंच को शांत बनाऊंगा, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके साथ तो कुछ और ही हो गया। कुछ के साथ गलत हुआ होगा, लेकिन इस प्रपंच को रचने वाला सिर्फ मैं ही एक आदमी हूँ जो सही है। जो इस प्रपंच को जान जाएगा उसे ज्ञान और मुक्ति दोनों मिल जाएंगे। मार्ग एक ही है। मुक्ति मार्ग एक है, समझना, कोई भ्रम नहीं है। हर कोई अपने अपने रास्ते से मुक्ति मार्ग पा सकता है और उसी में आनंद है। ये क्या अजीब तरह की बात कर रहे हो तुम? इन तुच्छ लोगों का मुकाबला तुम मुझसे कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेक। चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भैया को सब मालूम था, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहते थे। आपको पता है वो कहाँ है? वो प्रोफेसर के पास है। नो, चलिए हम वहां पर चलेंगे, उन्हें बचाना है। नो, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ अरविंद आया कि नहीं। तुम यहां से बिल्कुल मत हिलना, तुम दोनों यहीं सेफ हो। थेरेपी तुम्हारे लिए है अरविंद। अब सिर्फ एक ही काम बाकी है, इस किताब के लास्ट चैप्टर का आखिरी पजल सॉल्व कर दो। उसके बाद सारे रहस्य मालूम पड़ जाएंगे। एक बात बताऊं, इस किताब के बारे में जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस धरती पर जिंदा नहीं बचा और ना ही बचेगा, न तुम न मैं। आई ऑलरेडी स्टार्टेड टाइंग अप द लूज एंड्स। सिर्फ आखिरी आदमी ही जिंदा बचेगा। तुम्हें सिर्फ यही करना है, बस इस आखिरी चैप्टर को आज फिनिश कर दो। ओके प्रोफेसर। हर्ष, गुरु दक्षिणा मांगने का आज समय आ गया है। अरविंद कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, एक एक पल का समाचार मुझे चाहिए। अरविंद, तुम कब आए? तुम्हें कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। राज और धीरज को भी कुछ नहीं हुआ, दोनों हॉस्पिटल में सेफ हैं। हर बात पे टांग अड़ानी है क्या? अरविंद, तुम भी उसके ट्रैप में फंस गए हो। तुम्हें विभूति नाग कंट्रोल कर रहा है,
उसकी माया से बाहर निकलो। इस पजल को सॉल्व करो, ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है। तूने भी सब जान लिया, तू भी मेरी शत्रु है। अरविंद, 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 नो, नो। मुझे मारने से पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें कैसे भी विभूति नाग की माया से बाहर निकलना होगा। याद करो मैं कौन हूँ। अरविंद, तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन एक बार महेश के बारे में याद करके देखो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। अरविंद, अरविंद, तुम 3-4 महीने से कितनी तकलीफ उठा रहे हो, अब तुम मुझे मारना चाहते हो। मैंने क्या किया है सोचो, सच में मुझे मारोगे? जो लहर पीछे जाती है वो अपनी शक्ति छोड़ जाती है। अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें रेस्टोरेंट की बात याद आई, तो फिर मेरे साथ बोलो, मेरे पिताजी ने क्या कहा था? नर हो, पुरुष हो, चढ़ के रहूंगा मैं, उठना मुझे ही नहीं, बस एक मात्र तेरा हाथ, मेरा देवता भी और ऊंचा उठे मेरे साथ। राज और धीरज भी सेफ है। अच्छा हुआ तुम बाहर निकल गए। अरविंद, तुम हमेशा कहते थे सिंपल लाइफ जीना ही अच्छा होता है। हम यहाँ से दूर जाएंगे, किसी छोटे से गांव में छोटे बच्चों को गाना सिखाएंगे, जिंदगी काट लेंगे। सिंपल, सिंपल। बहुत ही सिंपल आंसर है, इसलिए पता नहीं ज्ञानियों ने सोचा हमने सब मिस कर दिया। सर, अरविंद के रूप में एक लड़की आई है। उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, वो बच गई सर। वो उसे गले लगा रहा है, इसके बाद उसने कुछ लिखना शुरू कर दिया। ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर देगा। हर्ष, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, उन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये भी गया। भाई, मैं तुम्हें मारने आया था ये जानकर भी तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? तू मुझे मारने के लिए नहीं आया, तू विभूति नाग के वश में कर रहा था। उसने तुझे शांति देने का वादा किया, लेकिन उसने तुझे अशांति दी। सच्चा गुरु प्रेम सिखाता है, लेकिन किसी इंसान की जान लेने के बारे में कभी नहीं सिखाएगा, सच सिखाएगा, झूठ की तरह जीने के लिए नहीं। अभी जो मैंने तुझे बात बताई तुझे समझ आ गई होगी। मैं ये सब गलत कर रहा हूँ, ये सब जानते हुए भी मैं वैसा क्यों कर रहा हूं जैसा वो कह रहा है? पता नहीं मुझे क्या हो गया। फोर्स डिप्रेशन।
डीएसपी की मौत का कारण भी विभूति नाग है। He was my inspiration. भैया, I'm really sorry भैया, मुझे माफ कर दीजिए। हमारे बीच में सॉरी कहां से आ गया? तुमने तो अपने फ्रेंड का पूरा साथ दिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था और शायद इसीलिए मैंने उसे खो दिया। तुम तो मुझसे ज्यादा बेटर हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। हर्ष को अपने रूम में ले चलते हैं। चलिए। आराम कर लो हर्ष। अब बस हमारा एक काम रह गया है। चलो। एक बार फिर से खेलेंगे प्रोफेसर, इस बार नो चीटिंग। श्योर श्योर। आखिरी पजल पूरा कर दी क्या? कर दी। क्या है जिंदगी में खुशी में जीने के लिए? बता मुझे कौन सा रसायन तैयार करना पड़ेगा? मुझ में ताकत भरने के लिए बता कौन सा कंपोजिशन चाहिए? भविष्य दर्शन के लिए योग का मार्ग ही है क्या? क्या है, क्या है बता? वो सब छोड़ो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब दोगे क्या? आप अपने आप को गुरु समझते हो ना? गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या है जानते हो? जो शिष्य ना हर वक्त हासिल करने के लिए लगा रहता है, वो गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। मैं सच में नहीं जानता कि ये जवाब तुम्हारा है या नहीं, पर ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। गुरु को ऐसे शिष्य की जरूरत क्यों होती है जानते हो? ताकि उसके जाने के बाद उसका शिष्य उसके ज्ञान को बांटे। लेकिन तुम क्या करते हो? अपने शिष्य को एक मुर्दे की तरह तैयार कर देते हो। तुम्हारा शिष्य बनकर कुछ भी करने के लिए तुम्हारा विद्यार्थी अपनी जान तक दे देता है, पर तुमने उनके साथ क्या किया? याद है एक तुम्हारा बहुत ही प्रिय शिष्य, मेरा दोस्त, जिसने तुम्हारी सारी पजल सॉल्व की। तुम भी उसे बहुत चाहते थे। उसने तुम्हारी सारी पजल्स को सॉल्व किया और तुम लोगों को दिखाते हो कि तुमने उस सारी पजल्स को सॉल्व किया। जब कोई तुमसे ज्यादा सीख लेता है तो तुम उससे जलने लगते हो। तुम्हें लगता है कि कहीं वो तुमसे आगे न बढ़ जाए। तुम डरने लगते हो, इसलिए तुम उसका रास्ता भटका देते हो, उसकी बलि चढ़ा देते हो। ये झूठ है। ए, क्या बात कर रहा है तू? कौन है तू? तू झूठ बोल रहा है। बता बता, तुझे ये सब कैसे पता चला? कुंडली सिंड्रोम, यही तेरा अस्त्र है ना, उसी से डिप्रेशन हो जाता है। तेरी वजह से मेरा दोस्त मर गया। तू नहीं उसकी जान ली। तू अपने आप को गुरु कहता है ना, तू गुरु नहीं है। तू गुरु हो ही नहीं सकता। जो अपने शिष्य की जान ले वो गुरु हो ही नहीं सकता। मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। क्या प्रोफेसर, सबको शांति देने का वादा किया लेकिन जब खुद का टाइम आया तो अपना कंट्रोल ही खो दिया तूने। तू क्या लोगों को रास्ता दिखाएगा? हर्ष आया। तुझे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। तेरी गुरु भक्ति प्रूफ करने का समय आ गया है। इसे मार दे। मैं समझ गया बाबू, मेरा शत्रु अंदर ही है। इन हाथों से मैंने न जाने कितने मासूमों की जान ले ली। सर्वशक्तिमान बनने के लिए सबको वश में किया मैंने, जो नहीं माना उन सबको खत्म कर दिया मैंने। लेकिन
आखिर में ब्रह्म हत्या की तरह पाप लगा है मुझमें। गुरु हत्या के पाप से मैं तुझे मुक्त करता हूँ। तू उसे मार देगा, ये बात अलेक्जेंडर केन को पहले से ही पता थी। उसने अपने दोनों मित्रों को ऐसे ही मारा था, लेकिन मारने के बाद वो समझ गया था। आखिरी अध्याय में रहस्य क्या लिखा है जानते हो प्रेम? 1000 युद्ध जीतने से अच्छा है किसी को प्रेम से जीतना। तुझे स्वर्ग मिले या नरक, कोई देवता या भूत तुझे दूर नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध की कही उन बातों से अलेक्जेंडर केन ने लास्ट चैप्टर खत्म कर दिया। इस प्रपंच को जीतने के लिए हमें किसी विद्या की जरूरत नहीं है, बस एक प्रेम काफी है। पर इस छोटी सी बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे तेरी बात समझ में आ रही है अरविंद। मेरा शत्रु तो मेरे अंदर ही है, जिसने मानवता को खा लिया है। लेकिन तुझे एक दूसरे के प्यार ने जिंदा रखा। देखो तुम इस पाप से बच गए, नहीं तो ना तुम भी एक दिन विभूति नाग बन जाते। लेकिन ये सच नहीं है। आखिर में